हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है मेरे चैनल में। आज ना हमने पूरा दिन प्लान किया हुआ है। आज सुबह सुबह ही हमारा प्लान है बैंक जाने का, क्योंकि हम बहुत टाइम से इस अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं। स्पेशल अकाउंट खुलवाना है मुझे, जिसमें बहुत टाइम लगता है। और उसके बाद हमारा प्लान है कि आके मैं एक फिश वाली चीज बनाऊंगी। एक पुरानी फिश पड़ी हुई है, उसको मैं इम्प्रूव करके सिशुआन वाली फिश बनाने का ट्राई करूंगी, जो हम हमेशा रेस्टोरेंट्स में खाते रहते हैं। मैंने सोचा आपको भी लेके चलती हूँ, ताकि मैं आपको दिखा दूँ। हम कुछ एक ऑफिस जाने वाले हैं, उसके बाद बैंक जाने वाले हैं। मौसम भी यानी यहाँ बहुत अच्छा हो गया है, ना तो ज्यादा ठंडी है ना ज्यादा गर्मी रही है, धूप भी अच्छी निकली हुई है आजकल। चलो अभी नीचे चलते हैं, देखते हैं। कुछ पार्सल वार्सल आने वाला था, तो ये मेरा पैकेज आ गया है। मुझे लगता है ये इंडोमी नूडल्स है, जो मैंने इवान के लिए मंगाए थे 15 पैकेट। 1 2 3, एक हाथ से कट करना सीख लिया मैंने। ओह यस, इवान को बहुत पसंद है। इवान कुछ खा नहीं रहा है नूडल्स के अलावा, आजकल सब कुछ रिजेक्ट कर देता है। मी गोरेंग ये मैंने इंडोनेशिया में खाया था, रोज वहाँ पे यही खाती थी शाम को। इट इज लाइक अ पॉपुलर स्ट्रीट फूड। तो इवान को इन्हें कच्चा खाना पसंद है, तो उसे छुपा के रखना पड़ता है। डोंट ईट इट लाइक दिस। I know it's yum. Want to open it? No, I don't want to open it. So guys, सुबह के 9 बज चुके हैं, हमको 10 बजे तक बैंक पहुंचना है। और ये बैंक है ना काफी ज्यादा दूर है, हमको 1 घंटा तो लग ही जाएगा। इवान को भी तैयार करा दिया मैंने, चलो अभी चलते हैं। तो गाइज ये एंट्रेंस वाला एरिया है, देखो कितना सुंदर सजा है इसको। और ये एक सरकारी बिल्डिंग है, जिसमें किसी भी टाइप का लाइसेंस रिलेटेड काम होता है, जैसे कंपनी को लाइसेंस देना। इवन दिस इज अ रोबोट, दिस इज अ रोबोट। मुझे लगा था रिकॉर्ड नहीं करने देंगे, तो मैंने व्लॉग रिकॉर्ड करना स्टार्ट ही नहीं किया है। लेकिन यहाँ अंदर आके ऐसे मॉल वाली रिलैक्स फीलिंग आ रही है, कि मुझे लगता है मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ। गाइज ये साइड से दिखा रही हूँ आपको, यहाँ कुछ एस्केलेटर लगे हुए हैं, बीच बीच में डेस्क लगी हुई है, कुछ थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऑफिस जैसे फीलिंग है। रोबोट्स हैं हर जगह, अंदर बाहर रूम्स के अंदर भी मुझे दिख रहे हैं रोबोट्स। ये देखो एक रोबोट यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे एक रोबोट बना हुआ है, इवान उसी को ताक रहा है। हर जगह रेस्ट रूम, बेबी केयर रूम, एक्सेसिबल रेस्ट रूम यानी डिसेबल लोगों के रेस्ट रूम्स हैं, तो ये वही वाला सेक्शन है। और यहाँ पे कॉफी वाली मशीन लगी हुई है, बीच बीच में प्लांट्स लगे हुए हैं। यहाँ पे एक और मशीन है फ्लोर क्लीनिंग की, यहाँ पे पता नहीं ये क्या है भाई, आप ही बताओ मुझे देख के। एस्केलेटर के साथ यहाँ पे लिफ्ट भी दी हुई है, तो हम एक ही कोने पे हैं। साइज कम से कम मुझे एक सुपरमार्केट के साइज का लग रहा है, तो मैं एक कोने में खड़ी हूँ एक साइड में। यहाँ इस ऑफिस की लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज लगी हुई है लगता है। गाइज एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे 90% जो एम्प्लॉयज है वो औरतें हैं, और यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं वहाँ पे हमेशा मुझे औरतें ही दिखती है ज्यादातर। बाथरूम के बाहर ये लगाओ, इस टाइप के कुछ डस्टबिन है यहाँ पे। और यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके फोटोज एक साथ लगे हुए हैं। ये कुछ हाईटेक सरकारी कंप्यूटर्स हैं यहाँ पे सरकारी काम के लिए। यहाँ पे बहुत सारी सोफे टाइप की बेंचेस दी हुई है बैठने के लिए, और ओडिन को लगता है कोई मच्छर काट गया है। लकीली हमारी बारी 10 मिनट में ही आ गई, हमको डर था कि यहाँ लंच ब्रेक हो जाएगा और हमारे काम में डिले हो जाएगा, लेकिन अब हम सुबह ही निकल लेंगे यहाँ से। यहाँ पे एक ही बिल्डिंग के लिए कई तरफ से दरवाजे हैं, यानी पीछे से भी लोग एंटर कर सकते हैं, शायद इससे भीड़ कम होती है, लोग फैल जाते हैं। तो मैंने देखा पीछे से भी इतने सारे लोग आ रहे थे, फ्रंट गेट पे फिर ज्यादा भीड़ नहीं होती है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक कैफे के जैसा एनवायरनमेंट बना के रखा है, बहुत ही रिलैक्स्ड की चेयर्स और टेबल्स लगाई हुई है, लोग बैठ के कुछ भी अपना काम कर सकते हैं पेपर पेन के साथ। और अब हम निकल रहे हैं गाइज यहाँ से। ये देखो एक टावर है गाइस सड़क के बीचों बीच, गैस करो कौन सी है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, 4G 5G हो सकती है। तो हम सोच रहे हैं कि इसे कन्वीनियंस स्टोर में चले जाते हैं, ताकि इवान को अगर भूख लगे तो उसके लिए स्नैक्स ले सकते हैं हम, वो हमेशा रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाता है। यहाँ पे दुकानें गाइस, रेस्टोरेंट्स, कम हियर इवान। तो इवान घुसते ही लॉलीपॉप की डिमांड करने लग गया। हम एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, शायद यहाँ पे जाएंगे हम। हाँ
तो इस रेस्टोरेंट में बड़ी टेबल्स भी है, बट हम यहाँ पे बैठ नहीं सकते क्योंकि ये ग्रुप्स के लिए है। तो हम वापस से नीचे जा रहे हैं। तो गाइस, हमने फिर खाना ऑर्डर कर दिया, एक नूडल की डिश जिसके ऊपर शिमला मिर्च रखी हुई थी, और एक चिकन वाली डिश जिसमें बिल्कुल भी मसाले नहीं थे, फिर भी बहुत ही टेंडर थी और बिल्कुल भी स्मेल नहीं थी, क्योंकि इस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी ही चिकन है। नूडल वाली डिश एकदम सिंपल थी, कुछ ज्यादा मसाले नहीं थे उसमें, लेकिन फिर भी शिमला मिर्च के साथ अच्छा फ्लेवर आ रहा था। और इवान ये फ्रूट वाली आइसक्रीम खा रहा है क्योंकि उसको मिल्क सूट नहीं करता, तो मैंने इसको मिला दिया नूडल को, और उसके बाद इसका कलर ऐसा हो गया, देखो आप। फिनिश कर दिया है, फ्री हो गए हैं और हम रेस्टोरेंट से निकल के आ गए हैं गाइस। अब हम बस वॉक करेंगे बैंक तक। क्या मस्त हवाएं चल रही है, अभी मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है, ना गर्मी लग रही है, बिल्कुल पसीने नहीं आ रहे हैं, ठंडी भी नहीं है, तो आप कुछ भी पहन सकते हो बेसिकली, ड्रेसेस, हाफ पैंट। हरियाली लग रही है ना गाइस, हरे हरे लग रहे हैं पेड़, ये देखो। इवान को तो मेरे गोद में ही नहीं आना, मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन आज उसे ओडिन के साथ ही चलना है। आ गया हमारा बैंक। तो गाइज, ये बैंक काफी छोटा सा था, जो बाहर का एरिया है वो सिर्फ कैशलेस सर्विसेज के लिए था। इतने कंफर्टेबल सोफे लगे हुए हैं और मशीन्स है कुछ, बहुत सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा बैंक। और यहाँ पे सिर्फ बिजनेस रिलेटेड अकाउंट्स खुलते हैं, शायद इसलिए इतना छोटा है। और वैसे इवान इतना रेस्टलेस हुए जा रहा था क्योंकि वो बहुत बोर हो गया था सुबह से। यहाँ स्क्रीन पे किसका नंबर कब आएगा वो भी शो कर रहा था। हम लोग आ गए निकल के, काफी टाइम लग गया बैंक में, मुझे एक नया अकाउंट खोलना था, वो काफी टाइम हो गया, ओडिन अभी तक नहीं आया है। ओके ओके, हम ओपनेंगे। गाइस, इतनी छोटी इलेक्ट्रिक कार देखी आपने कभी? देखो यहाँ पे खड़ी है, एक ही बंदा बैठ सकता है और पीछे अपना लगेज, बहुत फटे हाल में है। तो गाइज, हम वापस आ गए हैं और काफी अच्छा रहा, फाइनली हमारा काम हो गया। 3-4 घंटे लगे कम से कम वहीं पे बैठ के, हम बैंक में ही, मैं पेपर पे पेपर साइन किए जा रही थी। जो भी अकाउंट बनाता है उससे फॉर्मेलिटीज कराई जाती है, जो डिस्क्लेमर जैसे होता है ना कि हम फ्रॉड नहीं करेंगे कभी, हम ये नहीं करेंगे, इसलिए यूज नहीं करेंगे वगैरह, वो सब को मुझे हाँ 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 बोलना था। और उसके बाद फोटोज भी ली गई मेरी, लाइक जैसे हमारे आधार कार्ड के टाइम ली जाती है ना फोटो, वैसे ली गई कंप्यूटर से। बहुत बार बहुत सारे पेपर साइन करने थे तो उसमें इतना सारा टाइम लग गया। तो चलो कोई नहीं, हम वेट नहीं करते हैं और हम किचन में चलते हैं। आज हम फिश बनाएंगे, मैं फिश बनाऊंगी, यानी आप देखोगे, होपफुली आपका गुड लक मेरे तक आ जाए। तो ये देखो गाइस, ये है वो फिश जो ओडिन ने बनाई थी, बट ये इतनी टेस्टी नहीं बनी थी, तो इसने इसका लिक्विड निकाल दिया। ये मुझे लगता है अल्टीमेटली फेंकेगी, तो मैं इसी को लेके कुछ बनाना चाहती हूँ टेस्टी, क्योंकि फिश का टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत फ्रेश थी, मैं इसको इम्प्रूव करना चाहती हूँ। और गाइस, हरी सब्जियों में मेरे पास दो ही सब्जियां हैं, एक है बक चॉय और एक है लेटिस, और दोनों बाहर से ऐसे लग रही थी कि पूरी तरह गल चुकी है, खराब हो चुकी है, फेंकने लायक है। लेकिन मैंने खोल के इसको छांटने की कोशिश की और बहुत सारी अच्छी पत्तियां निकल गई, जिसको मैं धो के तैयार रख रही हूँ। साथ में हम लीक्स भी धोने वाले हैं, क्योंकि वो भी यूज करने वाले हैं हम अपने सूप को टेस्ट देने के लिए। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं, तो सारे, क्योंकि हम रॉ चीजें ना एक साथ कर रहे हैं, फिर बाद में हमने सिर्फ ऐड करना होगा सब कुछ, तो अब इसको हम बड़ा बड़ा काट लेंगे। मेरा भी एक्सपेरिमेंट ही है ये। ये गार्डन वाली भी एक चिली यूज कर लेती हूँ, खराब हो रही है। एक अदरक को थोड़ा छील लेती हूँ। तो यहाँ पे ना अदरक ज्यादा बारीक काट के नहीं डालते हैं ये लोग, स्लाइस करके डालते हैं। इसके हम स्लाइसेस कर लेंगे, इसको भी यहाँ पे रख लेती हूँ। लहसुन को ज्यादा छीलने की जरूरत नहीं है और इसको साबुत ही रखेंगे। अब गाइस, एक पॉट ले लेते हैं जिसमें हम अपना सूप बनाने वाले हैं, तो इसी में हम ब्रॉथ तैयार करेंगे। थोड़ा तेल डालू इसमें हम सूप बनाने वाले हैं गाइस फिश का, और इसमें ड्राई रेड चिलीज ही डालते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ उपचार नहीं है, मैं इसलिए इसको सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ इस रेसिपी में। हम इसमें सब कुछ डाल देंगे थोड़ा थोड़ा, ये हम आधी डालेंगे, ये सारा डाल देंगे। लहसुन डाल रही हूँ, मिला लेंगे हम,
तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है गाइस, बना के देखो आप। अब इसने ना एकदम खुशबू छोड़ दी है पूरे लाल मिर्च वगैरह ने। तो ये मेरे पास फर्मेंटेड बीन पेस्ट है, इंडिया में भी मिलता है, अमेजोन पे चेक किया है मैंने। तो ये चाइना में कोरिया वगैरह में बहुत यूज करते हैं। कोई भी बीन का फर्मेंटेड वाला पेस्ट ले लो, इसमें थोड़ी स्मेल होगी आपको लगेगी, लेकिन पकने के बाद उसका अलग ही फ्लेवर आ जाता है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ ये देखो थोड़ी सी, ये ना ग्रेवी को बहुत खट्टापन देगा, तो अच्छे से मिला लेना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं व्हाइट पेपर भी डाल रही हूँ, ये फिश वगैरह डिशेज में डलता ही है व्हाइट पेपर। बहुत सारा पानी गर्म करके रखा था तो मैं इसको भी डाल रही हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पे ठंडा पानी लोग रेयरली डालते हैं व्हाइल कुकिंग। इसमें थोड़ा सोया सॉस डाल दूंगी मैं, कलर थोड़ा डार्क हो जाता है और टेस्ट भी आता है खट्टापन, एकदम से सिचुआन वाला आने लग गया मुझे फ्लेवर। थोड़ी सी शुगर भी डालते हैं क्योंकि इसमें फ्लेवर्स को बैलेंस करना पड़ता है। देखो गाइस एकदम परफेक्ट कलर आया जैसे आना चाहिए था। अब ये पूरे गार्लिक जिंजर स्प्रिंग अनियन सबका फ्लेवर आ चुका है और ये काफी गल जाते हैं, तो गली हुई चीजों को खाना यहाँ पे पसंद नहीं करते तो इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, बट मैं यहाँ इसमें यहाँ पे डाल दे रही हूँ और इनको मैं ऊपर गार्निश के जैसे सजा दूंगी, मेरा ये प्लान है। तो मैंने ये पानी पानी रखा है, थोड़ी सी लाल मिर्च वगैरह अभी भी है। तो अब गाइस हम इसमें हमारी सब्जियां डाल देंगे और इसको बंद करके रख देंगे, थोड़ी सी गल जाएगी। तो गाइस तो सब्जियां है ना थोड़ी गल गई है, ज्यादा नहीं गलाना बिल्कुल भी यहाँ पे, यानी बहुत स्ट्रिक्ट है इस चीज को लेके, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं गलाते हैं सब्जियों को। हम इसको निकाल लेंगे, ये देखो सारी हो गई, कितनी सुंदर लग रही है ना, ग्लॉसी ग्लॉसी। अब गाइस सबसे इम्पोर्टेंट टाइम आ गया है, ये जो पुरानी हो गई फिश है पकी हुई है ये, इसको हम डाल देंगे और इसको खूब गाढ़ा होने तक इसको उबालेंगे। स्वीट पोटैटो के केक्स हैं ये, इसको अच्छे से मैं डुबा देती हूँ, चिपक गई है ठंडी होके ये, इसको मैं हाई टेम्परेचर पे पकाती हूँ थोड़ा टाइम। तो गाइस बहुत टाइम से पके जा रहा है, काफी लिक्विड है अभी भी, इसको हम ऐसे रखते हैं और इसके गार्निश बना लेते हैं। तो गाइस हम थोड़ा तेल ले लेंगे, इसमें मैंने ले लिया है रेड चिली, सेशुआन ग्रीन पेपर, सेशुआन रेड पेपर, पेपर कॉर्न्स बोलते हैं इसको। तो इसको मैं साथ में ही तेल में डाल दूंगी गरम होते ही। हाँ गाइस मैं डाल रही हूँ सब, इसकी खुशबू तेल में निकल के आ जाए उतना ही पकाना है और काफी खुशबू आ गई है। बंद करके गाइस चॉपर में बात नहीं बन रही थी तो मैंने जार में डाल दिया, अब मैं मिक्सी में पीसूंगी। ओके काफी अच्छा पीस गया है, देखो गाइस ये काफी गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसको एक पतीले में निकाल लेती हूँ, अब गाइस हम इसमें डालेंगे हमारी सब्जियां। और ऊपर से मैं ये डाल रही हूं, गाइस वैसे तो ये गार्निश के लिए होता है लेकिन अगर रेस्टोरेंट्स में सर्व करते हैं तो ऊपर से डाल के करते हैं, बट हम इसको मिला लेंगे क्योंकि हम घर पे खा रहे हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे करके मिला रही हूं इसमें। ये जुगाड़ वाला है फिश का रेसिपी, काफी चीजें मैंने ऑथेंटिक वे में की है और कुछ चीजें मैंने सब्स्टिट्यूट की है, तो टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। और ऊपर से मैं ये डाल दे रही हूँ थोड़े से स्प्रिंग अनियंस जो मैंने काट के रखे थे, तो सुंदर लगता है ये देखो गार्निश के लिए। तो गाइस थोड़ा सा तेल गरम कर दिया और इसको मैं ऊपर से डाल दूंगी लाइक अ तड़का। तो ये तैयार हो गया हमारा सेशुआन चिली फिश और वेजीज का सूप। तो गाइस सिचुआन फूड ओडिन का फेवरेट फूड है और वो बहुत ही ज्यादा जज करता है लोग किस तरह से बनाते हैं इस खाने को। तो आज उसने ये बोला कि उसको एकदम सही ऑथेंटिक टेस्ट लगा मेरे डिश का,
तो ये उसका सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। पहले भी मैंने कुछ बार ट्राई किया लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं बोला है। इनफैक्ट उसने मुझे रेसिपी पूछी भी। तो गाइज आज के लिए इतना ही, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बहुत लोग भूल जाते हैं, वो देखते हैं सारे वीडियोस। और आज का रेसिपी कैसा लगा आपको मुझे वो भी बताना। बाय गाइज़।